नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पैरामेडिकल अपडेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के बारे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। जारी करने के बाद से ही बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, सर एफिडेविट या इसे शपथ पत्र कहते हैं, यह कैसा होता है, कहाँ से बनेगा और इसके अलावा डीडी कहाँ से बनेगा। तो हमने सोचा कि शपथ पत्र के बारे में, क्योंकि जो आपका डीडी लगना है वो आपका किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको कोई भी डिप्लोमा मिला होगा तो उसमें आपको डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट शपथ पत्र में कन्फ्यूजन है कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर कैसे शपथ पत्र बनवाना, तो मैंने सोचा कि आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। बारी बारी में आपको जो भी प्रॉब्लम आती जाएगी कमेंट देखकर ही मैं आपको अगली वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। तो मुझे अभी बहुत सारे कमेंट देखने को मिले कि शपथ पत्र क्या है, क्योंकि हमें 28 मई तक कॉलेज में एडमिशन लेना है, उससे पहले हमें सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं, हमें ओनली शपथ पत्र के बारे में अभी बता दी। तो मैंने सोचा कि अब शपथ पत्र के बारे में एक बार आपको डिटेल्स दे दी जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, जरा सा स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको अलॉटमेंट जिन स्टूडेंट्स का आ गया है उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उसमें शपथ पत्र भी जरूरी है। आइए एक बार हम आपको अलॉटमेंट लेटर के बारे में थोड़ा सा रूबरू करा दें। तो फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहेंगे मैंने अलॉटमेंट लेटर आपके सामने ओपन कर लिया है। अब इसमें जो सारे पॉइंट्स हैं ये मैंने ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। फ्रेंड्स, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो वीडियो देख ली तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी पॉइंट नहीं बचने वाला, यानी कि सारी समस्याएँ आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो आपको जरूर देखनी है जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गया है। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स, अब आगे बात कर लें, एफिडेविट वाला बहुत सारा डाउट आ रहा था तो वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आप देख सकते हैं 7 नंबर का पॉइंट देखें, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निम्नलिखित घोषणा पत्र देना होगा। तो ये आपका घोषणा पत्र है, ये पूरा जो लिखा है सेम आपको एफिडेविट पे ही लिखवा के लाना है। तो मैंने जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि यही आपको टाइप करवाना है और अपना नाम अगर वगैरह आपका आ जाता है, तो एक बार हमें इसका आपको बता दें कि जब आप क्या आप तहसील जाते हैं तो तहसील में जाकर किसी भी जगह जाकर आप पूछते हैं कि हमें कॉलेज में एडमिशन मिला है, दाखिला लेना है, तो उसके लिए हमें शपथ पत्र बनवाना है और जो मैटर है हम आपको वो दे देंगे। तो वो ये मैटर आपको जो मैंने ये बॉक्स में बता दिया ये मैटर आपको लिखवाना, तो वो समझ जाएगा, खुद से कुछ ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वो खुद से कुछ, क्योंकि वो बनाते रहते हैं, उन्हें कुछ सब पता ही है, तो आप उसकी चिंता ना करें, आप तहसील जाके बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार अब आपको दिखा दें एफिडेविट कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे ये 10 रुपये का स्टाम्प पेपर है, देख पा रहे होंगे 10 रुपये का स्टाम्प पेपर इस प्रकार आपको बनवा के लेके आना है। और ये जैसे कि इसमें जो लिखा है किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के लिए बनवाना है, तो वो आपको यहाँ पे टाइप करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये KGME के लिए शपथ पत्र बनवाया है। तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे मैं अर्जुन कुमार लगभग 20 वर्ष का पुत्र किसके हैं, तो ये आपको अपना नाम बताना पड़ता है। इसके बाद में जो मैंने बताया था कि आपको जो बॉक्स बताया था यही बॉक्स में आपको बताया था, ये देख लें ये पूरा बॉक्स में वही टाइप करवा के लेके आना है। और इसमें पूरा नाम करने के बाद में ये शपथ पत्र में ये पूरी बात है, मैं शपथ पूर्वक तथा बोलता करता हूँ शपथ में, ये सारा आपका उनके पास सारा सत्यापन इसके बारे में दिया होता है, तो वो पूरा अपने आप खुद से खुद बना देंगे, एक बार इसे देख सकते हैं, चाहे तो इस शपथ पत्र का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यही पूरा मैटर आपको लिखवा के लेके आना, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने अच्छी तरह से आपको सामने कर दिया है, इतना आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम और पूरा ये इसे स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको मदद मिलेगी, आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस प्रकार का मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में बता दूंगा कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कैसा होता है,
कहाँ से बनेगा ये भी हम आपको बता देंगे। इसके अलावा डीडी के बारे में भी रूबरू करा देंगे। फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो बनाओ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।